मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं 41 से 100 तक के क्वेश्चन और यहां पर है आज जीके की बात। जीके की बात करेंगे आज यहां पर और कंप्यूटर के क्वेश्चनों की बात करेंगे और यहां पर 60 क्वेश्चनों के साथ हम जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव हो जाएं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची से संबंधित है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान के लिए है, या अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका आंसर क्या बनेगा भाई? यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 8 बताना है यहाँ पर किससे संबंधित है। चलिए जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। सुमित कुमार खारी जुड़ चुके हैं। जो बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जिससे कि सभी शेयर कर दें, जिससे कि सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और यहाँ पर अपने अपने क्वेश्चन का जवाब भी देना शुरू कर दें भाई। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कमेंट करें बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए क्या सही बनेगा? क्या सही बनेगा अनुच्छेद 8 के बारे में? अनुच्छेद 8 के बारे में यहाँ पर क्या सही जा रहा है जल्दी से बताइए भाई। देखिए यहाँ पर जो अनुच्छेद 8 जो है वो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर अनुच्छेद 8 की बात करी है। अनुच्छेद 8 जो है नागरिकता संबंधित है भाई, नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 8। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, सभी के सभी यहाँ पर अलग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या राज्य के क्षेत्रीय मतदान क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए सदस्यों की किस संख्या से ज़्यादा हो सकती है? कितनी हो सकती है? 400, 500, 555 या इनमें से कोई भी सही नहीं है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए आंसर यहाँ पर सही बनेगा? 42 का बी बता रहे हैं रोहित कुमार हप्पुर वाले जो हैं, 42 का भैया बी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का बता रहे हैं बी ऑप्शन। तो 42 का यहाँ पर बी ऑप्शन इनकी तरफ से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 43वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए क्या बात है। संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे दिया गया है? संविधान में विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार किसे दिया गया है? तो रोहित कुमार 43 का सी बता रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो भैया 43 का पहला ऑप्शन सही है। क्या पहला ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को सलाह लेने का अधिकार है और वो ले सकता है किसे? जो हमारे न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है। अभी पराशर भी जुड़ चुके हैं, जो बच्चे भी जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है, सुस्वागतम है और जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर देना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 44 है भाई, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कब तक विलंबित किया जा सकता है? 1 महीने से ज़्यादा, 14 दिनों से ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा तक विलंबित नहीं कर सकती राज्यसभा, 14 दिनों से ज़्यादा नहीं कर सकती, 7 दिनों से ज़्यादा नहीं कर सकती या 60 दिनों से ज़्यादा नहीं कर सकती। क्या आंसर सही बनेगा? रोहित ने 44 का सी बता दिया है, अभी ने ए बताया है और सुमित खरे ने सी बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए देखें, ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, 14 दिनों से ज़्यादा नहीं, 14 दिनों से ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 45, किसके शासनकाल के दौरान हिंगसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? किसके शासनकाल में की थी? तो ये बताना है आपको, पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, विनयादित्य या पुलकेशिन द्वितीय। किसके समय में की थी हिंगसांग ने
चालुक्य साम्राज्य की यात्रा। 45 का डी बता रहे हैं रोहित और सुमित खारी ने भी यहाँ पर डी बता दिया है क्वेश्चन नंबर 45 का। तो 45 का डी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, दोनों ही बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर देते हुए। क्वेश्चन नंबर 46 आ चुका है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे। जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था गुजरात के सूरत में, जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। रास बिहारी बोस थे, बाल गंगाधर तिलक थे, एनी बेसेंट थी, या गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे भाई ये बताना है आपको। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो रोहित कुमार ने 46 का बी कर दिया है, रोहित कुमार ने क्या किया भाई, 46 का बी ऑप्शन कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था बताना है आपको। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए यहाँ पर हरिओम शर्मा भी जुड़े हैं 47 के बी के साथ, 47 का बी बता दिया है और 47 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, एक सही जवाब सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है, 48वां है, चिल्का झील क्षेत्र किस डेल्टा के मध्य स्थित है। अभी ने 47 का बी बता दिया है और यहाँ पर जो है रोहित ने 47 का बी बताया है और यश शर्मा है, हरिओम शर्मा की आईडी जो है दिखाई दे रही है वो है यश शर्मा, तो यश शर्मा भी जुड़ चुके हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या है, अभी ने 48 का बी कर दिया है, 48 का बी कर दिया है अभी ने, जबकि यहाँ पर 48 के क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, कौन सा डी ऑप्शन सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 49 आ चुका है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में जो है स्थित है, यश ने 48 का बी बता दिया है, रोहित ने 48 का ए बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पर आंसर की जरूरत पड़ रही है किसके, 49 की बच्चों ने बताया है 48 का, तो 48 का बी जो है हो चुका है यहाँ पर, 48 का नंबर डी सही हुआ था, लेकिन 49 की बात करें तो यश ने बी बता दिया है और अभी ने भी 49 का बी ही बताया है और बी ऑप्शन दोनों ही ने बिल्कुल सही भी किया है कमेंट, बिल्कुल सही कमेंट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर देखिए 50वें क्वेश्चन के लिए क्या आंसर सही बनेगा। राज्य के सही समुदायों को पहचानने जहाँ रबर का मुख्यतः उत्पादन होता है ये बताना है। रोहित ने 49 का ए कर दिया है और बी का हो चुका है 49 का बी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 50 की बात चली है, राज्य के सही समुदायों को पहचाने जहाँ रबर का मुख्य उत्पादन होता है, तो सुमित खारी ये कर रहे हैं और यश ने 50 का सी कर दिया है और 50 का सी मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब है यश की तरफ से यहाँ पर सही जवाब आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ चुका है, 51 भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पंचक्कियों का झुंड है। रोहित ने 50 का डी कर दिया है, रोहित ने 50 का डी कर दिया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का राज्य जहाँ पर सर्वाधिक वायु पंचक्की का झुंड है ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 के लिए बी कर दिया है हरिओम शर्मा ने, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए बी कर दिया है हरिओम शर्मा ने, तो 51 का यहाँ पर बी बिल्कुल सही है, मतलब यह शर्मा है तो यह शर्मा ने बी किया है, बिल्कुल सही है भैया इनका जवाब। और क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 52वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। देखिए यहाँ पर अभी की तरफ से 51 का बी कर दिया गया है, हर्ष ने डी कर दिया है और 51 का बी किया है रोहित कुमार हप्पुर वालों ने। क्वेश्चन नंबर 52 सुमित ने कर दिया है, सुमित खारी की तरफ से बी ऑप्शन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 असत्य कथन बताइए कौन सा गलत है ये बताना है 52वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 52 में जो गलत है उसको आपको कमेंट करना है कि गलत कौन सा है, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 52 की बात, यश ने 52 का डी कर दिया है और रोहित ने 52 का ए किया है, तो 52 का यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है यश की तरफ से, ये आंसर भी यहाँ पर बिल्कुल सही होता हुआ। और क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, अब धीरे धीरे
53वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने पहुंच चुका है। हर्ष ने 52 का डी कर दिया है और 53वें क्वेश्चन में आपको क्या मिलान करना है। 53वें क्वेश्चन में क्या करना है भैया, मिलान करना है। अच्छा एक बार कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या हम जो है टेस्ट अगर दिन में रखें 2 या 3 बजे के आसपास तो क्या वो समय सुटेबल है, क्योंकि इस समय 9 बजे हम आपको दे रहे हैं जीके के 7000+ क्वेश्चन, जीके के 7000+ क्वेश्चन आपके लिए चल रहे हैं 9 बजे, तो क्या दिन में टेस्ट रखा जा सकता है, एक बार कमेंट करके ये बात भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए देखिए सी कर दिया है रोहित ने, सी किया है यहाँ पर रोहित ने क्वेश्चन नंबर 53 के लिए, जबकि यहाँ पर बी ऑप्शन सही बना। कौन सा बी ऑप्शन, मतलब सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने कर दिया गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 आ चुका है। लोकपाल कर दिया है भाई, यस वो हर्ष कह रहे हैं जूम कर दो, बिल्कुल कर दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो उस पर नहीं पहुंच पा रहा था स्क्रीन पर, इसलिए उसे छोटा किया गया था। यस ने 53 का बी कर दिया है यहाँ पर, और हर्ष कह रहे हैं जूम करने के लिए वो कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 आ चुका है, आशीष राणा जुड़ चुके हैं। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 2013 को राष्ट्रपति की सहमति निम्न तारीखों को मिली थी, किस तारीख को मिली थी। यस ने 54 का बी कर दिया है, यस ने 54 का बी कर दिया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 54 का अगर बात करी जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 55 वह है, कौन से देश ने हाल ही में निताकत कानून लागू करने का निर्णय लिया है, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर हर्ष ने 54 का बी कर दिया है, आशीष ने 54 का डी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बात करें भैया, क्वेश्चन नंबर 55 आपके लिए आ चुका है, सामने आपके आ चुका है क्वेश्चन नंबर 55। सभी बच्चे जो बाद में जुड़े हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है, और वो वीडियो को भैया शेयर जरूर करें। लाइक आपके हाथ में है कि आप करते हैं नहीं करते, लेकिन शेयर जरूर करें। साथ ही साथ 9 बजे आपको जो है मिल जाएगा क्या जीके का पार्ट नंबर 5 होगा आज, जिसमें 7000 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसमें पार्ट नंबर 5 आज आपको मिलेगा, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 55 के लिए अभी ने 55 का सी, हर्ष ने बी कर दिया है, यश ने सी कर दिया है, और सुमित खारे ने कर दिया है डी। तो क्वेश्चन नंबर 55 के लिए बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, 55 के लिए कौन सा, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है 55 के लिए। देखिए सुमित ने 55 का डी किया है और यहाँ पर आशीष ने कर दिया है सी। 56वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे कम आयु के राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है, जल्दी से बताइए। दक्षिण सूडान की राजधानी का नाम आपको बताना है, दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 56 के लिए आपको आंसर देना है, और 56 के लिए देखना है कि 56 की बात कहां तक सही है। यस ने 56 के लिए ए किया है, यस ने 56 के लिए ए किया है, और यहां पर बिल्कुल सही जवाब है यस की तरफ से देखें, और आशीष ने भी ए कर दिया है, आशीष राणा की तरफ से 56 का ए आया, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। हर्ष ने डी किया है और सुमित खारी की तरफ से ए, तो ए बिल्कुल सही है भाई। क्वेश्चन नंबर आ चुका है 57वां, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, 57वां क्वेश्चन है, मसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है, मसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है, जल्दी से बताइए कि मसूर लिंगराज मंदिर किस शहर में है। मसूर लिंगराज मंदिर मतलब जो शिव मंदिर है वो किस शहर में है, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 57 और 57 के लिए देखिए ये आंसर आए हैं, यस ने बी कर दिया है, सुमित खारी की तरफ से बी है, अभी की तरफ से बी है, हर्ष ने बी कर दिया है, और आशीष ने कर दिया है डी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया है मोस्टली बच्चों ने, सभी बच्चों ने ज़्यादातर ने दिया है सही जवाब, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, भुवनेश्वर बिल्कुल सही जवाब है, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर है, लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर भी है, भगवान शिव का ये मंदिर है। और क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 58,
निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म ईंधन से प्राप्त नहीं किया जाता। 57 का बी ऑप्शन कर दिया है सूरज कुमार ने, 57 का बी ऑप्शन किया है। 58वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एलपीजी प्राकृतिक गैस, बायोगैस या सीएनजी, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है या जीवाश्म से प्राप्त नहीं किया जाता। अक्रमुद्दीन अंसारी बी कर रहे हैं और यश ने 58 का सी कर दिया है, और यश ने 58 का सी कर दिया है। चलिए भाई, यहाँ पर 58 का सी ऑप्शन यश की तरफ से जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 59वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, यहाँ पर देखते हैं अभी ने सी किया है, अक्रमुद्दीन ने 58 का बी कर दिया है, हर्ष ने भी ए कर दिया है, सुमित खारी की तरफ से सी है, रोहित की तरफ से 58 का डी कर दिया गया है। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है। आशीष ने 58 का सी और विशाल शर्मा की तरफ से भी कर दिया गया है यहाँ पर आंसर कमेंट सी, 58 का सी ऑप्शन सही है भाई, सही आंसर कमेंट किया सभी बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 59वां क्वेश्चन भाई, 59वां क्वेश्चन देखिए यश की तरफ से 59 का ए आ चुका है और अभी ने भी 59 का ए किया है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक वातावरण नहीं है, तालाब, खेत, झील या वन, प्राकृतिक वातावरण नहीं है। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। देखिए प्राकृतिक वातावरण यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, और यहाँ पर बच्चे 59 के बारे में देखिए, अभी के बाद सुमित ने बी कर दिया है, आशीष ने बी कर दिया है, अक्रमुद्दीन ए कर रहे हैं और रोहित ने कर दिया है बी, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा भैया वो बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही बनेगा। हर्ष ने भी ए किया है और सूरज ने कर दिया है बी। देखिए पृथ्वी पर या कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्त जीवित और अजीवित वस्तुओं को प्राकृतिक वातावरण में शामिल किया जाता है, और यहाँ पर यह वातावरण ही जो सभी जीवित प्राणियों को प्रमाणित करता है। इस संदर्भ में खेत जो है प्राकृतिक वातावरण नहीं है, क्योंकि खेत में तो फसलें बदलती रहती हैं, लेकिन तालाब, झील और वन अपने हिसाब से प्रकृति अपने हिसाब से ढलती है, जबकि खेत में हम अपने हिसाब से फसलों को तैयार करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग नहीं है, संक्रामक रोग बताना है भैया कि संक्रामक रोग कौन सा नहीं है। मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक या हैजा, कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है ये जल्दी से बताइए आप। मधुमेह, यक्ष्मा मतलब टीबी, चेचक या हैजा, कौन सा यहाँ पर संक्रामक रोग नहीं है। तो 60 के लिए देखिए यहाँ पर हर यश ने कर दिया है 60 का ए, आशीष ने डी कर दिया है, सूरज की तरफ से ए है, अभी ने ए कर दिया है और रोहित ने कर दिया है सी। देखिए संक्रामक रोग कौन सा नहीं है ये बताना है, तो इसके लिए देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 60 का ए ऑप्शन सही है। देखिए तपेदिक एक संक्रामक रोग है, तपेदिक मतलब यक्ष्मा मतलब टीबी, और टीबी को क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी का पूरा नाम क्या है भैया, ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस। और चेचक जो है वो भी वेरिसेला नाम के वायरस से होता है, और आपका जो हैजा है वो एक संक्रामक बीमारी है। तो यहाँ पर जो संक्रामक नहीं है वो क्या है भाई, ए ऑप्शन सही है, मतलब ये मधुमेह इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 61, तीन मौलिक परिणाम है, तीन मौलिक परिणाम क्या है। तीन मौलिक परिणाम मतलब जो मूल राशियों के परिणाम है एक तरह से, उनकी बात की जा रही है कि तीन मौलिक परिणाम क्या है। चलिए भाई यहाँ पर हर्ष ने 60 का सी किया, अक्रमुद्दीन कर रहे हैं मधुमेह, सुमित ने कर दिया है ए, अक्रमुद्दीन कह रहे हैं वीडियो को लाइक कर दो भाई लोगों, बिल्कुल सही बात है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बनता है बिल्कुल, लेकिन ये बच्चों की इच्छा पर डिपेंड होता है। 61वां क्वेश्चन आपको बताना है, तीन मौलिक परिणाम क्या है, तीन मौलिक परिणाम क्या है भैया। तो क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी ने बी कर दिया है, हरिओम ने डी कर दिया है, रोहित ने बी कर दिया है, आशीष ने बी कर दिया है और हर्ष का 61 का सी आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए देखिए ए ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 61 के लिए क्या ए ऑप्शन सही है। सूरज ने 61 का ए किया है, यहाँ पर पुनीत कुमार भी जुड़े हैं, पुनीत कुमार भी जुड़ चुके हैं
तो जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 62 उनके सामने रख देते हैं। 62वां है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक कौन से हैं ये आपको बताना है, ये बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 62। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे, कौन से थे भाई जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने चल रहा है और 62 का क्या आंसर आपके हिसाब से सही बनेगा। 62 का यस ने बी कर दिया है, यस ने देखिए 62 का बी कर दिया है। हरिओम शर्मा मतलब यस शर्मा है और इन्होंने 62 का क्या है, क्या बी ऑप्शन। बाकी बच्चों का क्या कहना है 62 के बारे में वो भी अपना अपना मत रख सकते हैं, अपना अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। देखिए 62 के लिए यहाँ पर आंसर आने शुरू हुए हैं और 62 के लिए क्या क्या आंसर आए हैं, सूरज ने डी किया है, हर्ष ने ए कर दिया है, पुनीत की तरफ से डी आ चुका है, रोहित ने डी कर दिया है और आशीष ने क्या कर दिया भैया, बी ऑप्शन कर दिया। तो यहाँ पर 62 के लिए जो है वो सी ऑप्शन सही है, 62 के लिए क्या है सी ऑप्शन सही है। अक्रमुद्दीन अंसारी भी कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 63 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 63, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63, जिगर मतलब लीवर की बात चल रही है, गुर्दा मतलब किडनी की बात चल रही है, लंग्स मतलब फेफड़े की बात चल रही है या अग्नाशय की बात चल रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 के लिए क्या आपका आंसर सही बनेगा, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखे क्वेश्चन नंबर 62 गलत हो गया सर, अकरमुद्दीन कह रहे हैं 2 और यहाँ पर हरिओम शर्मा मतलब यस ने 63 का बी कर दिया है, रोहित ने 63 का सी किया है और आशीष ने 63 का बी कर दिया है। सूरज की तरफ से बी आ चुका है, आशीष की तरफ से बी आ चुका है, अभी ने सी कर दिया है और पुनीत ने कर दिया है भैया बी। तो क्वेश्चन नंबर 63 के लिए देखा जाए तो बी ऑप्शन, जितने बच्चों ने भी बी ऑप्शन किया, जितने बच्चों ने भी बी ऑप्शन किया उन्होंने बिल्कुल सही कमेंट किया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 64 आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है ये बताना है, जो मेल नहीं खा रहा उसके लिए बताना है, जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 64, एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है क्या, एमीटर विद्युत धारक से संबंधित है क्या, टेकोमीटर दाब का अंतर बताता है क्या, पाइरोमीटर उच्च तापक्रम को बताता है, कौन सा यहां पर गलत है। देखिए यहां पर बच्चे कमेंट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64 के लिए, अगर 64 की बात करें तो यस ने डी कर दिया है, आशीष ने सी कर दिया है और रोहित का सी, तो सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, जो जवाब सही है वो क्या है सी। टोकोमीटर, टोकोमीटर दाब अंतर की बात करी है, जो टोकोमीटर है वो वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र है, वायुयान की गति और मोटर बोट की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है भैया, टोकोमीटर। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ चुका है। देखिए यहाँ पर आदित्य शर्मा की तरफ से 64 का सी, अभी ने सी कर दिया है, पुनीत की तरफ से सी, सूरज की तरफ से सी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा, शाहजहां ने करतारपुर का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा ये आपको बताना है जल्दी से। यहाँ पर रोहित कुमार 65 का ए कर रहे हैं और यस ने कर दिया है 65 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 65 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर अगर मैं 65 की बात करूँ तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुरु हर गोविंद सिंह जो है वो बिल्कुल सही जवाब होता हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 66। 65 के लिए देखें यहाँ पर यस ने सी कर दिया है और आशीष ने डी कर दिया है, वहीं आदित्य शर्मा की तरफ से 65 का ए और सूरज की तरफ से 65 का डी आ चुका है। उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है, अक्रमुद्दीन 65 का ए बता रहे हैं, 66 की बात चल रही है भाई। 66 के लिए बताना है उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 के लिए सही जवाब क्या बनेगा जल्दी से बता सकते हैं। यस ने 66 का डी ऑप्शन किया है, लेकिन यहाँ पर
जो 66 का जवाब है वो भैया सेकंड ऑप्शन है, वो सेकंड ऑप्शन टाइटेनियम, टाइटेनियम जो है इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 67, 67वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो अनुज भी जुड़ चुके हैं। देखें रोहित ने 66 का ए किया था, अभी ने सी कर दिया था, और साथ ही साथ आदित्य शर्मा की तरफ से डी आ चुका है, पुनीत ने सी कर दिया है, सूरज की तरफ से सी है, और आशीष ने 66 का बी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अनुज कर रहे हैं 66 का बी, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 आ चुका है, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन है संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, मतलब ये बात किसने कही थी। तो यह 67 का बी बता रहे हैं और रोहित कह रहे हैं 67 का डी। 67वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखें ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, गैरेट हार्डिन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा। यहाँ पर जो इसके जनक हैं, लोक त्रासदी के जो जनक कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं गैरेट हार्डिन। इन्होंने ये जो है अपनी थ्योरी दी थी 1968 में दी थी। इन्होंने अपनी थ्योरी कब दी थी भैया, 1968 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने गैरेट हार्डिन ने। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 68वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अनुज ने 67 का सी, रोहित ने डी कर दिया है, हरिओम की तरफ से बी आ चुका है, अनुज ने बी कर दिया, आशीष का बी आ चुका है, सूरज का सी आ चुका है, पुनीत ने सी कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 68, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। 15 जनवरी को, 9 जनवरी को, 18 जनवरी को, या 12 जनवरी को। देखें यहाँ पर 68वें क्वेश्चन के लिए यश ने डी कर दिया है, रोहित ने बी कर दिया है, पुनीत ने यहाँ पर बी कर दिया है, अजय ने डी कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो यश का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 12 जनवरी को, क्योंकि 12 जनवरी को जो जयंती होती है वो होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 69वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। यहाँ पर बच्चे क्या कह रहे हैं उनकी बात भी देख लेते हैं। 68 के लिए देखें सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर कमेंट किए हैं, रोहित ने बी कर दिया था, पुनीत ने बी किया था, अजय का डी था, यहाँ पर वेद प्रकाश ने 68 का डी कर दिया था, अभी ने डी किया है, सूरज की तरफ से ए है, पुनीत की तरफ से 12 जनवरी मतलब डी ऑप्शन, अनुज ने बी किया है, और यहाँ पर देखें अकरमुद्दीन अंसारी कह रहे हैं बफरिंग, क्या बाकी बच्चों के साथ भी ऐसी समस्या है, बफरिंग वाली समस्या है। और यहाँ पर यश ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के बारे में बताया है, हरिओम ने मतलब यहाँ पर यश ने 69वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन और रोहित ने सी कर दिया है। क्या बाकी बच्चों के पास वीडियो क्लियर पहुँच पा रही है नहीं, एक बार ज़रूर बताएं। 69वां क्वेश्चन नो बफरिंग कह रहे हैं, पुनीत कह रहे हैं नो बफरिंग, बिट्टू कुमार भी 69 का सी बता रहे हैं, 69वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बताया है बिट्टू कुमार ने, 69 का क्या बताया भैया सी, और रोहित की तरफ से भी सी आया था और यश की तरफ से बी कर दिया गया था 69वें 69 क्वेश्चन का। देखिए 69 क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन सही बना, पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर सबसे अधिक ऊंचाई जो पर जो है समुद्र तल से 4411 मीटर की ऊंचाई पर एयरपोर्ट है, ये आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर आपके सामने रख दिया गया है 70वां है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। देखिए जो भी बच्चे हैं वो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 70, देखिए बच्चे अपने हैं तो रोएंगे भी वही हंसेंगे भी, ये जो है परिवार होता है, तो यहाँ पर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो उसी तरह से ये सारी चीज़ें चलती हैं।
रोहित कुमार 70 का सी कर रहे हैं और हरिओम 70 का डी कर रहे हैं। रोहित कुमार ने 70 का यहाँ पर क्या कर दिया है, सी कर दिया है और हरिओम ने कर दिया है 70 का डी। तो यहाँ पर 70वें क्वेश्चन का देखें, 70वें क्वेश्चन का क्या है, पहला ऑप्शन सही है। 70वें क्वेश्चन का क्या है भैया, पहला ऑप्शन सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किसका शाही का जो है संरक्षण किया जाता है। ठीक है जी, ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है और ये जो है 1972 से इसे क्या कर दिया गया भाई, संरक्षण दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, वो आपके सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, अरुण ने 70 का डी कर दिया है, हरिओम शर्मा यस कह रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान दें। चलिए भाई पुनीत, आई नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 71वां, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए कौन सा आंसर यहां पर सही बनेगा, रोहित ने 71 का सी कर दिया है और यस ने किया है 71 को स्किप। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 71 है उसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में हवा में अगर पीतल रंगीन हो जाता है, हवा में अगर पीतल को रख दिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में, तो ये हो जाएगा रंगहीन, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड जो क्या है वो एक अकार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने आ चुका है। देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 के लिए अगर बात करी जाए तो पुनीत की तरफ से यहाँ पर बी ऑप्शन आ चुका था, अनुज ने 71 का बी कर दिया है, कुरुमुद्दीन डी कर रहे हैं, आशीष ने बी कर दिया है और वेद प्रकाश ने 71 का सी किया है। 72वां क्वेश्चन, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है, नोट गेट। चलिए भाई जल्दी से बताइए, नोट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आपका जो आंसर क्या बनेगा, रोहित कह रहे हैं 72 का ए और आशीष कह रहे हैं 72 का ए, लेकिन जो 72वां क्वेश्चन है उसका भाई डी ऑप्शन सही है। क्या है भाई, डिजिटल लॉजिक में नोट गेट एक लॉजिकल गेट होता है, ये ठीक है जी, जिसका आउटपुट तार्किक रूप से इनपुट का उल्टा होता है। मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो लॉजिक अगर एक लगाया है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा, तो इस तरह से इसका जो है नंबर डी ऑप्शन सही होगा भैया। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है। देखिए अनुज ने 72 का डी किया है, अक्रमुद्दीन की तरफ से बी आ चुका है, अमित ने ए कर दिया है, आशीष ने ए कर दिया है, रोहित की तरफ से 72 का ए है और यश ने 72 का ए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 73 चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 72 के लिए वेद प्रकाश ने सी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 73वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखना है 73 के लिए क्या बनेगा सही भाई। यहाँ पर अगर जूम करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाने का आपके सामने सामने बिल्कुल नहीं आ पाने का। अच्छा जी, अनुज कुमार कह रहे हैं यहाँ पर 72 का डी आंसर दे रहे हैं। चलिए 72 का डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो यहाँ पर सैनिस जी ने 73 का ए कर दिया है, शुभम कश्यप 73 का ए बता रहे हैं, रोहित ने 73 का ए बता दिया है यहाँ पर और साथ साथ पुनीस जो है आंसर अभी नहीं कर पाए हैं, आदित्य 73 का ए कर रहे हैं, वेद प्रकाश की तरफ से 73 का ए आया है और आशीष की तरफ से 73 का ए आया है। रजनीश कुमार सर क्या नेटवर्क कमज़ोर है, नेटवर्क कमज़ोर नहीं है, नेटवर्क पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो इसलिए आपका जो है ये छोटा किया गया है। देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने पूरा आ जाएगा, ये आ चुका है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 74। देखिए मेरी तरफ से तो नेटवर्क कमज़ोर नहीं है, बच्चे इस बात को कमेंट कर सकते हैं, जो भी बच्चे लाइव हैं क्या उन तक वीडियो सही पहुँच पा रही है नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते कई दिन तक वाईफाई ने हमें परेशान किया तो हमने वाईफाई ही चेंज कर दिया
वाईफाई को ही दूसरे से लगवा दिया, वाईफाई चेंज कर दिया, हम तो इतना कर सकते हैं भाई आपके लिए, आप कितना कर सकते हैं हमारे लिए? क्या आप हमारे लिए वीडियो को शेयर कर सकते हैं? सूरज कुमार कह रहे हैं 73 का ये, और अकरमुद्दीन अंसारी ये कर रहे हैं, अनुज कर रहे हैं 73 का भी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 आ चुका है। आशीष ने डी कर दिया है, हरिओम मतलब यस ने ए कर दिया है, अभी की तरफ से डी आ चुका है। आकाश शिवाच 74 का डी बता रहे हैं, और यहाँ पर सोम कश्यप ने 74 का डी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही भी है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अकरमुद्दीन कह रहे सही चल रही है वीडियो, वेद प्रकाश ने 74 का डी कर दिया है, यहाँ पर 74 का डी बिल्कुल सही है। रोहित की तरफ से सी है, सैनिक जी ने 74 का डी कर दिया है, और सोम कश्यप का भी भैया डी आ चुका है, तो 74 का डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यह तो बिल्कुल ही आसान एक तरह से क्वेश्चन भी रहा था। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 75वां आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए यहाँ पर अनुज ने सी कर दिया है, और साथ ही साथ पुनीत की तरफ से 74 का ए है, यहाँ पर रजनीश कुमार डी कर रहे हैं, और सूरज ने 74 का डी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 75 अकरमुद्दीन अंसारी आप केवल जो है क्वेश्चन नंबर और उसका जो है ऑप्शन नंबर लिख दें, यही काफ़ी होगा, पूरा टाइप करने में आपका समय ज़्यादा जाता है। रजनीश कुमार कर रहे हैं डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें भाई, क्वेश्चन नंबर डालने से पता लगता है कि किस क्वेश्चन के आंसर की बात चल रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 75 के लिए यस ने स्किप किया है 75 को, जबकि रोहित ने 75 का बी किया है, और पुनीत कह रहे हैं बफरिंग। क्या बाकी बच्चे भी इस बात को बता सकते हैं कि उनके पास बफरिंग पहुँच रही है या क्लियर पहुँच रही है? देखिए इसका 75वें क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है भाई, हवा की जो क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार इन कणों को कितना 2.5 PM कहते हैं, इनकी चौड़ाई 2.5 माइक्रोन या इससे कम होती है, इन कणों की चौड़ाई जो है वो 2.5 माइक्रोन से कम होती है, ठीक है जी। और इस प्रकार के जो कण हैं वो श्वसन तंत्र में इसके द्वारा प्रवेश करके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, और फिर यहाँ पर आपके फेफड़ों में खांस जलन, खांसी, छींक, सांस जैसी तकलीफें, नाक कान और आँख में दिक्कतें ये पैदा करते हैं। तो वायु क्वालिटी के बारे में बात थी भैया। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने आ चुका है, मिलिंद पन्नू क्या है? अभी कह रहे हैं नो बफरिंग, अनुज ने कहा 75 का सी, रजनीश कह रहे हैं 75 का बी, अकरमुद्दीन अंसारी ने स्किप किया है, पुनीत ने बफरिंग बताई थी, और यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर आ चुका है 76वां। 76 के लिए देखते हैं, शुभम कश्यप कह रहे हैं भाई स्किप मत कर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा जी, पुनीत कुमार कह रहे हैं नेटवर्क वीक मेरे है सर, बफरिंग 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 हो रही है। अच्छा, पुनीत की तरफ से ये उन्हीं की तरफ से दिक्कत है, हमारी तरफ से देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। रोहित ने 76 का ए कर दिया है, यश ने ए कर दिया है, और आशीष ने 76 का बी कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 76 के लिए देखें डी ऑप्शन सही है, 76 का क्या डी ऑप्शन सही है। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्नो 1000 ईसा पूर्व एक बौद्ध काव्य है जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा जो है राजा मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, तो उसी को क्या कहा गया है, उसी ग्रंथ का नाम है भाई मिलिंद पन्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 77वां। क्वेश्चन नंबर 77 आ चुका है, हाँ भाई नेक्स्ट देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 के अनुज ने डी कर दिया है, रजनीश ने सी कर दिया है, बिट्टू की तरफ से बी है, सोम कश्यप ने ए कर दिया है, और आकाश की तरफ से ए कर दिया गया है, वेद प्रकाश ने 76 का डी कर दिया है। यस कह रहे हैं भाई जिसका उत्तर नहीं पता तो गलत देने से क्या फ़ायदा, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर एग्जामों में निगेटिव मार्किंग है और इसको आदत में डालना पड़ेगा। रजनीश 76 का डी कर रहे हैं, और रोहित कर रहे हैं 77 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 77 के लिए क्या यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 78वां यहाँ पर है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 के आशीष की तरफ से सी आ चुका है, सूरज की तरफ से डी आ चुका है, अनुज ने कमेंट नहीं किया है, हरिओम शर्मा कर रहे हैं 77 का डी। 78वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा
दिए गए निर्णय पर किस पर बाध्यकारी है? भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय किस पर बाध्यकारी है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 77, किसी राज्य के क्षेत्र पर जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर केवल जिला न्यायालयों पर या भारत के सभी न्यायालयों पर किस पर है? तो क्वेश्चन नंबर 78 की अगर बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है भैया, ठीक है, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 141 के तहत, तो अनुच्छेद जो है हमारा 141 है, जिसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79वां क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखें, यस ने 78 का बी और डी दोनों दिया है। अच्छा जी, सोम कश्यप कर रहे हैं डी, रजनीश ने डी किया था। लगता है सर मेरा यहाँ अब नेटवर्क नहीं आएगा, कल मिलते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अकरमुद्दीन 78 का डी कर रहे हैं, अनुज कर रहे हैं 78 का डी है, और यश ने 78 का बता दिया था बी या डी, रजनीश की तरफ से डी आ चुका है। देखिए यहाँ पर सोम कश्यप की तरफ से सी ऑप्शन किया गया है, 79वें क्वेश्चन का वेद प्रकाश ने सी कर दिया है, हरिओम शर्मा की तरफ से सी है, और सोम कश्यप ने चश्मा लगाया, मतलब सही उत्तर पाया है इन्होंने बिल्कुल। आदित्य शर्मा ने सी किया है और रोहित की तरफ से सी आ चुका है। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर अभी की तरफ से सी किया गया है, अनुज ने कर दिया है बी, और सैनी जी कर रहे हैं सी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ 80वां क्वेश्चन, थोड़ा सा धुंधला सा है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ भाई क्वेश्चन क्या है। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष मुसलमानों को सैन्य सेना के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें नैस के नाम से जाना जाता था, किसके नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर सामंत के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन के ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ थोड़े से, यहाँ पर अगर आपके सामने क्लियर नहीं है तो मैं इनके ऑप्शन भी आपको बता देता हूँ। सामंत है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बंदगान, तीसरा ऑप्शन है इक्तेदार, और चौथा ऑप्शन है मुक्तिस। तो क्या ऑप्शन यहाँ पर सही है? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका दूसरा है ऑप्शन, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे कहा जाता है बंदगान है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81वां, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? ये बताना है। यहाँ पर यश शर्मा कह रहे हैं शुभम भाई मान गए, अच्छा जी चलिए, और यहाँ पर रजनीश ने 80 का डी किया है, वेद प्रकाश ए कर रहे हैं, सूरज ए कर रहे हैं, अकरमुद्दीन अंसारी ने सी कर दिया, सोम कश्यप ने सी कर दिया है, और आशीष ने सी कर दिया है, अनुज ने सी कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है 81 के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर 81 के लिए बच्चों ने जवाब दिए हैं, सोम कश्यप का डी है, रोहित का डी है, यश का सी है यहाँ पर, और वेद प्रकाश की तरफ से डी कर दिया गया है, सैनी जी की तरफ से डी कर दिया है, क्रोमुद्दीन सी कर रहे हैं, आशीष ने ए कर दिया है, अनुज ने डी कर दिया है, अभी ने बी कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा भैया? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता हुआ। क्वेश्चन नंबर 82वां, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए हैं? मुक्त व्यापार, विदेशी निवेश, रोजगार या प्रौद्योगिकी विकास, किसके लिए स्थापित किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 82 का जवाब दें, 82 का बी बता रहे हैं, यस बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन नंबर आ चुका है 83वां, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में है, या है भाई पंजाब में? देखिए 82वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर रोहित ने ए कर दिया था, शुभम कश्यप का बी, आशीष का बी आ चुका है, अनुज ने बी कर दिया है, रजनीश ने बी कर दिया है, और सूरज का यहाँ पर देखिए सूरज का बी आ चुका है, सोम कश्यप 83 का बी कर रहे हैं, और यहाँ पर हरिओम शर्मा ने डी कर दिया है।
अनुज कह रहे हैं सर मेरी थोड़ी जी एस वीक है, कोई बात नहीं धीरे धीरे स्ट्रोंग हो जाएगी आपके भी। और रोहित ने 83 का A कर दिया है। वेद प्रकाश यहाँ पर 83 का D बता रहे हैं। सैनी जी ने यहाँ पर बता दिया है सी। शिवा राणा ने डी बताया। अभी परासर 83 का A और रजनीश ने बता दिया है सी। जो 83वां क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। कौन सा भैया? बी ऑप्शन 83 का 2nd ऑप्शन सही है। क्या भाई? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और ये किस नदी पर है? ये भैया चेनाब नदी पर है। ये किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 84। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या बलिया? कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 84 के लिए यश ने पहला ऑप्शन बता दिया है, मतलब वाराणसी के साथ गए हैं यश। तो यहाँ पर देखना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार कहाँ पर बनाई गई थी। चलिए जल्दी से बताइए समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें 84 के लिए, तो 84 के लिए बच्चों ने सुम कश्यप की तरफ से डी आया है, शिवा राणा की तरफ से डी है, रोहित ने ए कर दिया है, सूरज की तरफ से सी है, आशीष ने डी कर दिया है, अकरमुद्दीन अंसारी बलिया बता रहे हैं, और अनुज ने ए कर दिया है, और अभी ने 84 का D कर दिया है। तो भैया डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बलिया ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो बलिया ऑप्शन सही है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पश्चिम में सतारा, पश्चिम में जो समानांतर सरकार बनी वह कहाँ बनी थी? सतारा में बने थे, ठीक है जी। पूर्व में मेदिनीपुर, पूर्व में कहाँ बनी थी? मेदिनीपुर। कहाँ बनी भाई? मेदिनीपुर, मेदिनीपुर। और जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकारें बनी, और इसी प्रकार समानांतर सरकार की स्थापना उत्तर प्रदेश के बलिया में की गई थी। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? बलिया में स्वतंत्र सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई 85वां, अमर बेल क्या है? अमर बेल क्या है? अमर बेल के लिए आपका क्या जवाब यहाँ पर सही बनेगा? पूर्ति जीवी है, अधिपादप है, मरुद्भिद है या परजीवी है? क्या आपके हिसाब से सही ऑप्शन है? देखिए इसके तुरंत बाद जैसे कि ये टेस्ट समाप्त होगा 9 बजे, तुरंत ही आपको 7000+ क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसकी जो क्लास मिल जाएगी, आप उसका आनंद ले सकते हैं। और साथ ही साथ उसके PDF के लिए आप बिल्कुल जो है टेलीग्राम ग्रुप को भैया ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को आप बिल्कुल ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर जो है अपना ये देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है वो आप पर PDF के रूप में पहुंच जाएंगे, लेकिन आंसर के लिए आप वीडियो में से आंसर चेक कर सकते हैं जो भी आपको नहीं आता उसका। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 85 का B बता रहे हैं, रोहित सैनी ने जी ने बता दिया है डी, अनुज ने बता दिया है सी। यस कह रहे हैं देखो भैया मेरा तो का फिट नहीं होता इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ, बहुत अच्छी बात है भैया। शिवा राणा ने सी कर दिया, अभी ने 85 का C किया है, यस ने सी किया है, और आशीष ने बी कर दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 के लिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर 85 के लिए सही है, ठीक है जी। 85 के लिए क्या है भैया? डी ऑप्शन सही, परजीवी है। अमरबेल देखा भी होगा आपने कि दूसरे पेड़ पर ही होती है, दूसरे पेड़ पर जहाँ पर भी ये होती है मतलब डाल देते हैं वहीं पर हो जाती है। आकाश ने 85 का C कर दिया है, आकाश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी या कितनी होती है ये बताना है, शून्य, ऋणात्मक, असीमित या धनात्मक। देखिए कुसुम देवी यहाँ पर 85 का D बता रही हैं, रोहित ने 86 का B कर दिया है, रोहित ने 86 का B किया है, बिल्कुल सही जवाब है रोहित की तरफ से। रोहित की तरफ से 86 का B सवाल का जवाब जो दिया गया है बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, कौन सा क्वेश्चन आया भैया? 87वां आपके सामने है। सारगासो समुद्र किस सागर में स्थित है? सारगासो समुद्र किस सागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या आर्टिक महासागर में? कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 87 के लिए कौन सा ऑप्शन सही बनेगा?
सदस्य के लिए देखिए, सोम कश्यप ने 86 का बी और 87 का ए कर दिया है, और 87 का ए इनका बिल्कुल सही जवाब है। जहाँ 86 का बी भी सही था, वहाँ 87 का ए भी इनका बिल्कुल सही जवाब है। अटलांटिक महासागर में है सारगासो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए 88 को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और देखिए यहाँ पर आशीष राणा ने सदस्य का ए बताया है, और सोम कश्यप ने चश्मा लगाया, बिल्कुल लगाना बनता है, दो क्वेश्चनों का लगातार जवाब दिया है, तो चश्मा लगाया मतलब सही उत्तर इन्होंने बिल्कुल पाया है। क्वेश्चन नंबर अगर बात कर रहे सदस्य की, तो अनुज ने ए कर दिया है, आकाश की तरफ से ए हो चुका है, हरिओम ने यहाँ पर स्किप किया है, शिवा ने बी कर दिया है, और सोम कश्यप का 88 का बी कर दिया गया है। 88 के लिए बी ऑप्शन दिया गया है, तो 88 का भी यहाँ पर एक तरह से सोम कश्यप का बिल्कुल सही जवाब है। गांधी और अंबेडकर, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, ठीक है जी। तो ये कब हुआ था लेकिन? 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को ये समझौता हुआ था। अकरमुद्दीन अंसारी भी यहाँ पर अपने लगातार आंसर कमेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अनुज ने 88 का बी कर दिया है, और देखे यश ने 88 का बी किया था, आशीष ने सी किया था, सोम कश्यप ने बी कर दिया था, और सोम कश्यप का बार बार यहाँ पर एक बार फिर से सही जवाब, सही जवाब। नेक्स्ट है, आकाश ने 88 का बी कर दिया, शिवा पूछ रहे कहाँ से हो भाई, और सोम कश्यप का यहाँ पर 89वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन कर दिया गया है, बी ऑप्शन कर दिया गया है। एक बार फिर से इनका इस क्वेश्चन का भी सवाल का जवाब बिल्कुल सही आया। देखिए आशीष ने बी किया है, सैनिक जी ने भी बी कर दिया है, यहाँ पर तो सभी का बी ही ऑप्शन है। यश ने भी बी किया है भैया, रोहित की तरफ से सी आया था, बाकी सभी जो है बी कर रहे हैं, और बी बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 90। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः मिश्रित अंडों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है ये बताना है आपको, 3, 2, 1 या 4, क्या ऑप्शन आपके हिसाब से बनेगा यहाँ सही? चलिए, सोम भाई छा गए, यस कह रहे हैं सोम भाई छा गए, बिल्कुल। अनुज कुमार ने भी इस बार चश्मा लगाया, सही उत्तर पाया, और सूरज का बी ऑप्शन किया गया, अनुज ने भी बताया है, आकाश ने भी बताया है, और ये उनका बी आ चुका है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 90 का क्वेश्चन बताइए भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। रोहित 90 का भी बता रहे हैं, रोहित ने बताया 90 का भी, बाकी बच्चे 90 के बारे में क्या कह रहे हैं उनकी बात भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं उनकी बात भी, वे इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाह रहे हैं जल्दी से बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है, और क्या जवाब यहाँ पर सही बनेगा जल्दी से बताइए। 90 के लिए देखें, यहाँ पर 90 के लिए रोहित ने भी बता दिया है, अकरमुद्दीन ने भी बता दिया है, अनुज ने भी बता दिया है, हरिओम शर्मा की तरफ से सी, और सैनिक जी की तरफ से सी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है भाई, कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 91वां क्वेश्चन, और ये कंप्यूटर ज्ञान आ चुका है आपका, मतलब कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे यहाँ से आगे, आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाएंगे, कंप्यूटर ज्ञान को परखेंगे। उस एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या नाम है जो यूजर इन्फॉर्मेशन एकत्रित करता है और इंटरनेट के द्वारा इसे किसी व्यक्ति को सेंड करता है? चलिए भाई जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए बताइए क्या जवाब यहाँ पर 91 के लिए सही बनेगा। आशीष ने 90 का बी कर दिया है, शिवा ने डी कर दिया है, सैनी जी ने सी कर दिया है, हरिओम की तरफ से सी आ चुका है, अनुज ने बी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 91 के लिए क्या जवाब सही बनेगा? 91 के लिए अकरमुद्दीन अंसारी स्किप कर रहे हैं, वहीं पर 91 के लिए जवाब दिया है रोहित ने बी, आशीष ने बी दिया है, और अभी ने बी दिया है, अनुज ने ए कर दिया है, शिवा की तरफ से बी दे दिया गया है जवाब, लेकिन जो जवाब बनेगा सही 91 के लिए वो सी ऑप्शन सही बनेगा, कौन सा भैया? सी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब होता हुआ, कौन सा? सी ऑप्शन सही जवाब होता हुआ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके लिए 92, क्वेश्चन नंबर 92 आ चुका है देखिए आपके लिए, निर्णय लेने की वह प्रक्रिया जिसमें निर्णय लेने वाले व्यक्ति को समस्या का समाधान करते हुए न्याय विकास और अंतर्दृष्टि के साथ पूरी जानकारी प्रदान करनी चाहिए, इस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? देखिए सैनी जी कह रहे हैं सी, शिवा राणा कर रहे हैं सी, आकाश ने कर दिया 91 का बी, और यहीं पर जो है
सैनी जी का सी आ चुका है, रोहित बाणमय का ए बता चुके हैं, रोहित बाणमय का ए बता चुके हैं। वर्षा सिंह जो है डी बता रहे हैं यहाँ पर, और आशीष ने बाणमय का सी बता दिया है, अभी ने सी बता दिया है। तो बाणमय क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, बाणमय की बात करें तो यहाँ पर कौन सा भैया बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 93, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 93, CRM का क्या उद्देश्य है। नहीं पढ़ा, यस कह रहे हैं कंप्यूटर ज़्यादा नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है। अनुज ने बाणमय का डी कर दिया है, वर्षा सिंह ने बी कर दिया है, क्रोमुद्दीन ने बाणमय का सी तुक्का मार दिया है यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 के लिए रोहित ने डी कर दिया है। रोहित की तरफ से 93 का डी, जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 93 का क्या सी ऑप्शन सही होता हुआ। 94वां क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, 94वां क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, 94 के लिए क्या आंसर सही बनेगा। डैश वेब पेज पर एक बड़े ग्राफिक का छोटा वर्जन है, क्या जो है एक वेब पेज पर बड़े ग्राफिक का छोटा वर्जन क्या है, जल्दी से बताइए। देखिए 9 बजते ही आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी जीके की क्लास, तो वहाँ पर तुरंत काम चल जाएगा। जैसे ही 9 बजेंगे वैसे ही आपके लिए जो है 7000+ क्वेश्चनों की सीरीज आपको मिल जाएगी क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। तो इसलिए आप जो 6 क्वेश्चन हैं इनका जल्दी से जवाब दीजिए। थोड़ा मैं भी यहाँ पर करता हूँ जो है स्पीड से आपके लिए, केवल अब जो है पहले 3 नाम ही मैं लूँगा यहाँ पर। यश की तरफ से 94 का ए है, रोहित की तरफ से ए है, और आशीष की तरफ से ए कर दिया गया है 94 का। तो 94 के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन भैया सही है, 94 के लिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आ चुका है, 9 बजे लाइव क्लास नहीं है, वैसे रिकॉर्डेड है लेकिन वो जो है आपको लाइव ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, है रिकॉर्डेड लेकिन वो मिलेगी लाइव एक तरह से आपको। क्वेश्चन नंबर 95 जल्दी से बताइए भाई, ये 5 क्वेश्चन आप समाप्त करें क्योंकि 2-3 मिनट का समय आगे शेष बचा है, उसी बीच में आपकी दूसरी क्लास भी चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 95 जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन संगठन द्वारा संचित उपभोक्ता के निजी डाटा से संबंधित एक प्रमुख थ्रेट है। 95 का डी कर दिया है रोहित ने, 95 का डी कर दिया है रोहित ने, जबकि यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है। कौन सा भैया सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने आ चुका है, 96वां क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, नियमों और प्रथाओं का कौन सा समूह यह बताता है कि एक समूह या संगठन संवेदनशील और क्रांतिक समूह संसाधनों को किस प्रकार नियंत्रित करता है, यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 96 के लिए, 96 के लिए जल्दी से बताइए भाई, सुरक्षा नीति, जोखिम मूल्यांकन नीति, प्रबंधीय नीति या संवेदनशील मूल्यांकन रणनीति, क्या बनेगा भैया जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए 96 के लिए रोहित की तरफ से ए आ चुका है, यश की तरफ से डी आ चुका है, शिवा की तरफ से डी आ चुका है। तो 96 के लिए जो आंसर बना है वो ए ऑप्शन सही है, सुरक्षा नीति बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 आपके सामने रख दिया गया है, निर्णय लेने के लिए फ्लो चार्ट में निम्नलिखित में से किस आकार के बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट में निर्णय लेने के लिए किस आकार के बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। शिवा ने डी कर दिया है, अनुज ने सी कर दिया है, और 96 का अनुज की तरफ से यहाँ पर डी ऑप्शन कर दिया गया है। 97वां क्वेश्चन आपके सामने है, 97 के लिए जल्दी से बताइए, 3 क्वेश्चन मात्र शेष बचे हैं, इनको भी यहाँ पर समाप्त करना होगा। सत्तानवा क्वेश्चन के लिए क्या आंसर सही बनेगा भाई, 97 के लिए लगाया है बच्चों ने ज़्यादा समय, और यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही है भाई, सी ऑप्शन सही है 97 के लिए। 98वां क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, 98वां क्वेश्चन ये है आपके सामने 98। देखिए शिवा ने बी कर दिया है, वर्षा सिंह की तरफ से ए आ चुका है, और अनुज ने 97 का बी, रोहित ने डी कर दिया है यहाँ पर 97 का। 98वां क्वेश्चन आपके सामने है, अक्रमुद्दीन ने सी कर दिया, रोहित का 98 का बी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 98 का यहाँ पर आंसर जो बनेगा भैया वो पहला ऑप्शन सही बनेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। 99वां क्वेश्चन आपके सामने, केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, और यहाँ पर देखे यश ने 98 का बी कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 99 के लिए बात चल रही है, जल्दी से बताइए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखना है इन 2 क्वेश्चनों का आंसर बच्चे कितने सटीक दे पाते हैं। 99 का बी कर दिया है
रोहित कुमार ने 99 का क्या कर दिया है, बी, जबकि इसका सी ऑप्शन सही बनेगा। कौन सा भैया? सी ऑप्शन सही बनेगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्राम को चरणबद्ध रीति से निष्पादित करता है? सर पीडीएफ मिल सकती है क्या, किसकी, ये बताइए जल्दी से बताइए, किसकी पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए टेस्ट की या फिर जो है जीके की? क्वेश्चन नंबर 100 जल्दी से बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 100 के लिए जवाब बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 100 का। चलिए 100 के लिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है 100 के लिए। क्या क्या आप ऑप्शन दिए हैं, रोहित ने डी किया था, शिवा ने ए किया था, अक्रमदीन का बी था और आशीष ने सी कर दिया था। तो पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे बच्चे तो किसकी पीडीएफ चाहिए वो जल्दी से कमेंट कर दें, क्योंकि फिर जो है कंप्यूटर के क्वेश्चनों की, हाँ बिल्कुल कंप्यूटर के क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको जितनी भी आपके जो है वीडियो हैं उन सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है सक्सेस विद कपिल जो है ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पर भी आपको समय समय पर सही चीज़ें मिलती रहेंगी। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल देख सकते हैं, वहाँ पर चल चुकी है किसकी, जीके की, और उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।